क्रिकेट इतना जगत में वो क्यों हुआ प्रसिद्ध और क्रिकेट देखने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? सोचा कभी आप? और क्रिकेट बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, मैंने दुनिया में और कोई गेम क्रिकेट के आगे नहीं चला, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें एक बॉल फेंकने पर कई प्रक्रियाएं होती हैं जो बड़ा मजा देता है। आश्चर्यचकित, उस बॉल पे स्टंप भी आउट हो सकता है, उसी बॉल पे कैच आउट हो सकता है, उसी बॉल पे छक्का मार सकता है, उसी बॉल पे चौका मार सकता है, उसी बॉल पे एक रन, उसी पे दुग्गी, उसी पे तिग्गी, और उसी बॉल पर नो बॉल हो सकती है, वही बॉल वाइट हो सकती है, उसी में LBW आउट हो सकता है, और कौन सा बच गया है, और कैच आउट हो सकता है, माने बॉल एक और रिएक्शन इतने सारे, ये मजा आता है, इसमें मजा आ रहा है, उठा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब फुटबॉल में तो दो ही चीजें हैं कि भाई यहां से मारेगा तो यहाँ गोल, बात करता कोई तीसरा तो कोई रिएक्शन है नहीं, और वहां तक बॉल पहुंची कदम रुक जाओ, फिर रेफरी बताएगा, फिर भैया मारो। तो और दुनिया के और गेम इतने बेबस नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट इतनी संभावनाओं से भरा हुआ क्रिकेट गेम है कि आदमी को अंत तक मजा आता है। मैंने क्रिकेट पता बच्चे से जी, आप नहीं देखते मुझे पता, क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि एक टीम ने बनाए 250 रन, कितने रन बनाए, चलो मैं तो कहता हूँ 300 बनाए, ठीक है। अब ये जो टीम है ना, ये जो खेलने आई है, इसका 5 विकेट गिर गया 100 रन पे, तो भी तुम निर्णय नहीं कर सकते कि हार जाएगी, क्यों कि भाई साहब छठवा मार सकता है, छठवा गिर जाए तो 7वां मार सकता है, माने वो इतना लंबी प्रोसेस है। और फिर दूसरी बात, वो बॉलिंग जो कर रहा है, मान चलो उनके कम रन है और सामने वाले के उसको 200 रन बनाने हैं, और सामने वाले ने 125 बना ली, मात्र 25 रन चाहिए और 5 विकेट उसके हाथ में, तो भी कहते कोई भरोसा नहीं, 5 वालों पे 5 विकेट नहीं बढ़ सकते। अब 5 वालों पे 5, इसलिए एक क्रिकेट दुनिया को देखने में बहुत मजा आता है, रोमांच ज्यादा है। श्री गुरु कहते हैं ये संसार भी इतने उससे भरा पड़ा हुआ है कि ये जीव इसी में मर जाता है, कभी दुख कभी सुख, कभी किसी तरीके का दुख, कभी किसी तरीके का सुख, कभी किसी तरह का सुख, कभी किसी तरह के, कभी मान चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी नेताओं से, कभी कुछ, ऐसे बेचारा इस संसार के चक्रों में ऐसा उलझ जाता है कि उसे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए आपको यह बात गहराई से समझनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, क्या वास्तव में संसार रहने लायक है, क्या यहां मैं सुखी हो सकता हूं, क्या ये सदा काल ये परिणमन मेरे अनुसार हो सकता है। तो आपको जब ये बात विचार करोगे, गहराई से में जाके देखोगे, तो कुछ आपके अंदर जागृति आ सकती है। कब आ सकती है? जब ये विचार निरंतर करोगे, प्रसंग बस करोगे, देवेंद्र जी प्रसंग बस समझ गए, प्रसंग बस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रसंग माने आज कोई पाप का उदय आ गया और तुम 12 भावना बहाने लगे, संसार की चड़भंगुरता सोचने लगे, कुछ नहीं होता ऐसे शमशान वाले वैराग्य से, कुछ नहीं होता। आपके प्रतिकूल परिणमन है इसलिए आप आत्मा को याद करते चले जाते हो, इससे कुछ नहीं होता। बात इतनी है कि सब ओर से अनुकूलता हो भी तो भी अंदर ये निर्णय बार बार चले कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, मुझे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का अवलंबन लेना है। अगर मैंने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन नहीं लिया, मैंने उसकी श्रद्धा नहीं करी, तो कुछ कोई काम का नहीं है, इस सब जीवन मेरा व्यर्थ चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, एक अनुभव की ही कीमत है।